नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा की। आजकल परिणीति न्यूज चैनल में काफी सुर्खियां बटोर रही है। न्यूज चैनल की खबरों की माने तो परिणीति किसी के प्यार में पड़ चुकी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन है जिससे परिणीति की शादी की बातें चल रही है? क्या परिणीति की सगाई हो चुकी है? क्या सच में परिणीति शादी करने जा रही है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला हरियाणा में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है, उनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है और उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग और सराज है। दोस्तों, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा उनकी चचेरी बहनें हैं। परिणीति ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2011 में फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से की थी। अगर पढ़ाई की बात करें तो वह प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं और स्कूल के दिनों में 12वीं कक्षा तक वह प्रथम स्थान हासिल करती रही हैं। परिणीति SSC परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रही और इसके लिए उन्हें प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में काम करने से पहले उनका वजन 86 किलो था, लेकिन यशराज फिल्म्स की 3 फिल्में साइन करने के बाद परिणीति ने अपना वजन 25 किलो कम कर लिया। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की शादी की खबरें जोरों पर हैं। 28 मार्च 2023 की रात को परिणीति चोपड़ा को शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान उनसे मीडिया के द्वारा शादी को लेकर सवाल भी किए गए। एक्ट्रेस ने राघव चड्ढा संग अपनी शादी पर कुछ बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसे इनकार भी नहीं किया और मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं जब राघव चड्ढा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे राजनीति पर सवाल कीजिए, परिणीति पर नहीं। खबरें हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। परिणीति और राघव चड्ढा की डेटिंग की चर्चाओं के बीच अब आप सांसद संजीव अरोड़ा ने अपने ट्वीट से दोनों के रिश्ते पर मुहर लगा दी है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा ने परिणीति और राघव की फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को दिल से बधाई देता हूँ। उनका मिलन प्यार और खुशी से भरा रहे, मेरी शुभकामनाएं। अभी तक ना तो राघव चड्ढा और ना ही परिणीति चोपड़ा ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ कहा है। बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।